पवन शुक्ला जी, हाउ आर यू? फाइन फाइन मैम, महलीज कैसी हैं आप? हाउ आर यू? मैं ठीक हूं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वेरी गुड। मैं कह रहा था रियासत मदीना की याद दिला दी आपने, इमरान खान ने जो वादा किया था। सही बात है, उसी टॉपिक। बस रियासत मदीना, हम क्या बोले, रियासत मुनाफिक हो गई है ये। इसका नाम चेंज कर दीजिए, अब आप चेंज हो जाना चाहिए अब, दैट्स टू मच। हाँ महली जी, कई बार मैं देखता हूँ आज जो है आपका जो द वे यू आर टॉकिंग, देयर इज ए इनोसेंस ऑन योर फेस टुडे, बट दिस रिचुअल समटाइम क्या होता है, इरिटेट कर देते हैं आपको भी। लाइक उस दिन मैं देख रहा था एक, तो ही वॉज अ कट्टर मुस्लिम जो भी है, तो कह रहा मैं उल्टा टांग दूंगा कनाडा में आके। याद होगा आपको 2 4 दिन या कुछ। और पता नहीं कितने लोग करते रहते हैं। तो हाँ, तो उस टाइम पे जब द वे यू टॉक वो आपको मतलब अपने लेवल पे ले आते हैं। आज जो है कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। यू आर लुकिंग इनोसेंट टुडे, जिसे कहते हैं कि एक आदमी जो जीना चाहता है, खुश रहना चाहता नहीं, मैं खुश है। हूं। अब हाँ ये देखिए, मैं एक बार बताऊं ना, जब ये लोग आते हैं ऑब्वियसली, अब एक ही चीज पे चिक 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 कर करके ना, तो इंसान का दिमाग पागल हो भी जाता है, उस वक्त। और फिर वही चीज, और फिर जब आप वही, नहीं बात आपकी वो सही है कि एक जाहिल के साथ, मैंने सुना है कि कहते हैं कि जाहिल के साथ बहस नहीं करो, क्योंकि वो आपका दिमाग पगला कर अपने लेवल पे ले आएगा। तो जी, वो ही कर रहे होते हैं, मगर समटाइम्स थोड़ा सा इनको अपने उसके लिए डालना पड़ता है। प्लस हमारे को तो सारे व्यूज ही उन्हीं वीडियोस पे आते हैं जहाँ ये चूतिया पकड़ते हैं, सीरियसली। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज और पहली चीज, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप ब्यूटी पेजेंट भी रहे हैं, तो आपको शुरू में वहां दिक्कतें नहीं आई कोई? मैं जब पाकिस्तान में थी तो उस वक्त मैंने कभी किया ही नहीं था ऐसे पेजेंट वगैरह, वो तो मैंने यहाँ किया था कनाडा में। अच्छा। इसके अलावा बीइंग आप पाकिस्तान में रहे हैं, वो भी हमारा हिस्सा रहा है कभी, वहां की कोई 5 चीजें एज ए पाकिस्तानी कोई प्राउड करना चाहे तो 5 छोड़िए, आप 2 बता दीजिए, कोई ऐसी चीज बीइंग ए पाकिस्तानी कोई प्राउड करना चाहे अबाउट पाकिस्तान, टू प्राउड होना थिंग्स। चाहूँ मैं इसमें। वैसे अच्छी चीज है, अगर आप देखना चाहो तो पाकिस्तान जो है, खाना वहाँ का बड़ा जबरदस्त है। आई वेंट टू हाँ जाना अच्छा। पाकिस्तान, खाना, आई एम प्राउड ऑफ द फूड, आई एम प्राउड ऑफ जो, यानी वहाँ पे जो काम वगैरह होता है, सॉरी। क्यों टैलेंट की बात कर रही हूँ ना मैं, जो जो अच्छी अच्छी चीजें वहाँ पर हैं। मैं जैसे कि ये अब इंडिया में भी बनती हैं ये चीजें, इस तरीके की जी एम्ब्रॉयडरी, और ये जो औरतें घर में बैठ के एक एक सुई से बैठ के वो कर रही होती हैं, इट्स सच गुड वर्क वो करते हैं वहां पर। नहीं महलीज, यू कैन गेट इट हियर इंडिया टू, इन राजस्थान बेसिकली इफ यू हाँ, वहां सी। पे भी बनती है, मगर पाकिस्तान में डिफरेंट है, राइट? पाकिस्तान की ये चीज है कि अगर आप देखोगे ना, तो बलोची, सिंधी, पंजाबी, तीनों आउटफिट आप समझोगे एक ही जैसे हैं, मगर दे आर नॉट। उनके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो डिफरेंट ही स्टाइल की होती है। तो वो जी कल्चर और वो जो रंग, यानी जो रंग होते हैं ना, टू सी ऑल दैट, वो मुझे जी अच्छा लगता है वहां का। ऐसा कल्चर नहीं जो जहालत वाला कल्चर है, मगर आई लाइक द क्लोथ्स एंड स्टफ। फिर पाकिस्तान में खूबसूरती भी बहुत है, पाकिस्तान खूबसूरती है। एज अ प्लेस, अगर नॉर्दर्न पाकिस्तान पे आप जाओ, या अगर आप कराची जाते हो, या अगर आप लाहौर जाते हो, तो वहाँ हिस्टोरिकल जगहें इतनी है देखने के लिए। बलोचिस्तान अच्छा। हैज लाइक इट्स ओन ब्यूटी टू सी, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, ग्वादर है, एंड दे हैव लॉट ऑफ डेजर्ट एंड स्टफ टू। सो देयर इज, कितनी हो गई, तीन सोचना तीन पड़ हो गई। व्हाट एल्स आई एम प्राउड ऑफ, और क्या चीजें हैं यार, नहीं तरक्की तो कर ली है पाकिस्तान में, हम ये नहीं, प्राउड ऑफ फ्यू पीपल जो वहां पर हैं, जो काम कर रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम। बस ये चार ही मुझे भी याद आ रही है ऑन टॉप ऑफ माय माइंड। रहा है। हाँ ठीक है, तो कोई मगर इट्स बात नॉट, देखो इट्स नॉट ऑल दैट नहीं। बैड। मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो मैंने बड़ा मजा किया था पाकिस्तान में। ये कौन सा मुल्क है जहां पर आप एयरपोर्ट से उतरते साथ ही मम्मी की गुड़, आई वाज सिटिंग ऑन हर लैप, लॉ ब्रेक कर रहे हो, और से साथ ही वाह फर्स्ट लॉ मैंने ब्रेक किया ना सीट बेल्ट, और आगे सीट में मैं वाह, उनकी गोद में चढ़ के बैठी हुई थी, जगह नहीं थी। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स वहां पे, फन टाइम था, आई एंजॉयड माय लास्ट विजिट अप देयर। फिर प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती है वहां पे, बट यू गेट यूज्ड टू इट। पहली दफा मैंने गन फायर वहां पे सुनी थी तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मगर फिर मैं 3 महीने रही हूँ, फिर यहाँ आज फायरिंग हो गई, तो वहां आज फायरिंग हो गई, तो ये
फिर वो आपको आप पता है महलीज, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आज ही की बात है, पाकिस्तान की 14 ईयर्स का लड़का था, उसने अपने भाई बहन दो बच्चों को और माँ को भी और फादर को भी मतलब शॉट डेड कर दिया। रीजन, पबजी खेलने से मना कर रहे थे, क्या करने से मना कर रहे थे? अच्छा, ही वॉज एडिक्टेड टू पबजी गेम। तो उसकी माँ जो है बार बार मना करती थी, और मुझे ये हैरानी हुई, रिवॉल्वर भी उसके माँ की थी, तो अलमारी में से उठा के ले आया और सब कुछ शूट कर दिया, अपने सारे भाई बहनों को, माँ बाप को भी। ये आज की है खबर। सो सैड। मैंने अब वो यूट्यूब वाला चैनल, उसमें मैं इसी तरह से बातें कर रही हूँ, लाइक जो जो लोग होते हैं, अब ये इंसिडेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, मगर यहाँ पे अभी जो मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, साइकोज हैं, लाइक सीरियल किलर्स। वो एक दफा नहीं किसी को मारते, लाइक दे किल सो मी। इस बंदे का पता नहीं, उसका दिमाग एकदम से स्नैप हो गया होगा, यू you नो know? तो चंद लोग नहीं, इस तरह से बच्चा एडिक्टेड हो जाते हैं ना किसी चीज के ऊपर, तो फिर वो एकदम से फिर स्नैप भी कर सकते हैं। मे बी ही वाज सो एडिक्टेड टू पबजी एंड नहीं, स्टफ। 14 ईयर्स का सिर्फ बच्चा था वो हाँ जी, उसने ये काम किया। तो कई बार हो जाता है, इसलिए कहते हैं आजकल बच्चों की परवरिश भी बहुत मुश्किल हो गई है, कहीं भी हो हाँ। टाइम देना चाहिए। अरे एक केस था, मैं सुन रही थी, तो उसमें लड़कियां ही थी और ऑलमोस्ट लाइक ऐसी ही थी, 13 14 15 तक ही होंगी तीन। तो दो लड़कियां पता नहीं क्या पढ़ना शुरू किया उन लोगों ने, और उनके दिमाग में ख्याल आए, तो दे वेंट और तीसरी अपनी फ्रेंड को ही कुर्बान कर दिया या उसका कत्ल कर दिया, Oh यू नो। सो ये मैं यहाँ पर क्या आजकल मैं वो बता रही हूँ ना कि मैंने वो सीरीज स्टार्ट की है वहां पे। तो अभी मैंने जिस बंदे के बारे में वहां पे बात, पहला वीडियो जो मैंने डाला है, तो वो उसको देखकर ना मुझे बहुत सारे इंटरनेट पे लोग आते हैं ना, एक वो बैठता है वहां पर, तो my उनकी वो याद आ रही थी मैंने सोच सोच के, क्योंकि उसने 90 से ज्यादा जो है प्रोफाइल्स बनाई नहीं थी। वो अपने आप को जाके खुद ही दिखाता था, मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना फेमस हूँ, मैं इतना गुड लुकिंग हूँ, यू नो। तो वो अपने आप को चढ़ाता रहता था बहुत सारी चीजें, और फिर उसने बहुत इंटरनेत पे फेमस होने के लिए उसने बड़े कत्लों वारदात किए, तो इट वाज वेरी डिस्गस्टिंग। जी, तो देखिएगा वो तो ये आई नो इट्स हमारे वेरी डिस्टर्बिंग। यहाँ भी महली से एक बुराड़ी गांव है आसपास, एक ही दिन में 15 लोगों ने सुसाइड कर लिया। मैं उनका ये बिलीव था कि हमें जो है कयामत के दिन वाली सोच थी कि हम जो है ऊपर वाले से मिलेंगे और हमारा अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। स्टिल दे वर वेल्दी, बट एक साथ मतलब 5 साल के बच्चे से लेके पूरा परिवार एक साथ, मुंह पे आंख पे पट्टी बांधी गई प्रॉपरली, और मतलब होमोसाइड कहेंगे कि शायद इसे क्या, शायद आई थिंक पता उन्होंने किया नहीं, या तो कोई कल्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आजकल कल्ट्स भी बन जाती है ना, यहाँ भी कल्ट्स हैं जी। जो बन जाती हैं इस तरीके से कि हम शैतान के उसमें बलि चढ़ाएंगे, या यू नो तुम ये करोगे तो यूं मिल जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पे भी मूवीज बनी है इन चीजों पे कि पागल साइको लोगों का, एक्चुअली जो साइकोलॉजी है ना, लोगों को कोई चाहिए है जिसको वो फॉलो करें। हर किसी को आप देखोगे ना, वो किसी ना किसी के फुटप्रिंट या किसी ना किसी को आजकल एडमायर कर रहा होगा, उसके फुटस्टेप्स पे यू नो फॉलो कर रहा होगा। सो इट्स जस्ट दैट्स व्हाट दे डू, यू नो दिमाग ही ऐसा है लोगों का, हाउ दिस इज हाउ वी आर। एंड देयर इज अ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट। हाँ, क्या नाम था उसका, क्या नाम है डॉक्यूमेंट्री का यार, उस पे जो बनाई थी, द किटन किलर्स के नाम से थी। क्योंकि उसने पहले पहले उसने जो है जानवरों पे तशद्दुद किया एंड स्टफ, मगर ये कल्ट्स वगैरह है ना, लोगों को फॉलो करने के लिए चाहिए, और उनको कोई भी आइडियोलॉजी पसंद आ जाती है, एंड देन दे जस्ट गो टू द एक्सट्रीम विद इट, किसी भी तरह की उसमें। सो चलें, थैंक यू पवन जी। ठीक ठीक है, थैंक यू कॉलेज, फिर कभी बात करें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।